इंकजेट प्रिंटर है, हैंडी इंकजेट प्रिंटर। इसको अपन ओपन करते हैं। ये है मशीन। मशीन के साथ आता है उसका बैटरी। इसके साथ मिलेगी कार्ट्रिज, ये एचपी की कार्ट्रिज है। पेन ड्राइव, इसका ये स्टाइलस, ये मशीन को चलाने के लिए। और ये रबड़, रबड़ ये जो यहाँ पे लगती है। और ये इसका चार्जर। सबसे पहले अपन मशीन को किनारे करते हैं, बैटरी लगाते हैं। लगाओ, ये मशीन में अपन ने बैटरी लगाई। इसका जो वर्किंग है इस टाइप से है, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा ये। और फिर इसको लगा, ये हो गया लॉक। ठीक, और यह वाला स्टार्ट बटन है, ये है अपना सेंसर। और यहाँ चार्जिंग पोर्ट है, यदि बैटरी को चार्ज करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसको निकाल के भी अलग से, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक, अब मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने स्टार्ट करी। अब इसमें अपन को सबसे पहले अपन को मैसेज बनाना है। आपको एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जो भी आपको लिखना है। इसकी जो हाइट है ये 12.7 mm की है, तो इसके अंदर अपन को जो तीन लाइन, चार लाइन, जितने साइज में जो एडजस्ट हो उसके अकॉर्डिंग अपन को सेट करना है। तो सबसे पहले अपन टेक्स्ट में गए। टेक्स्ट में सपोज़ आपको 3, 4, 5, मतलब कोई भी अपन ने डाटा यहाँ पे लिख दिया। ये अपन ने 3, 4, 5 लिख दिया। यहाँ पे एक्स, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, जो भी सेट करना हो, और इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो पहले अपन यहाँ से एक सेट करेंगे एक लाइन, और यहाँ पे बड़ा छोटा करने का ऑप्शन दिया है। तो यदि आपको यदि लेटर सेट करना है तो एक बड़ा या छोटा अपन सेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही अपन एक लाइन और करेंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे वापस, फिर अपन ए बी सी डी कुछ भी। ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। फिर अपन ने इसको ये उठा के ये ले जाइए, इसको भी अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर ये अपन और गए फॉन्ट, फॉन्ट। अब जैसे अपन दो लाइन लिखे हैं, ऐसे ही अपन चार लाइन भी लिख सकते हैं। अब यदि अपन को सपोज़ अब फॉन्ट चेंज करना है, आपको इसे डॉट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अपन यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जैसे अपन को डॉट में जाना है, राउंड डॉट है, ठीक है, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। ये राउंड डॉट में करिए नीचे, ये ओके करेंगे, ये आ गया राउंड डॉट में। अब सपोज़ मान के चलिए कि आपको एक दो तीनों लाइन चेंज करनी है राउंड में, तो तीनों को अपन क्लिक करके सेट कर सकते हैं। इसको नीचे करो, 1, 2, 3 को। अब जैसे ये क्वार्ट लिखा है, इसको चेंज करना, करो इसको ऊपर 1, 2, 3 जो लिखा है। अब इसको भी डॉट में करना है, इसको भी मॉडिफाई करके ये गए यहाँ पे फॉन्ट, और ये राउंड, और फिर ओके कर देंगे तो ये अपना चेंज हो जाएगा। ठीक, आपको यदि जो भी डाटा को कुछ भी लिखना है या चेंज करना है तो एडिट में जाके मॉडिफाई करेंगे, करेक्ट। पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे। अब जैसे अपन को प्रिंट करना है स्टार्टिंग, जैसे अपन ने ये तीन लाइन लिख दी है, अब तीन लाइन अपन को प्रिंट करना, तो यहाँ ऑप्शन आता है प्रिंट का। आप प्रिंट ऑप्शन करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें अपन ने कार्ट्रिज नहीं लगाई है। तो पहले स्टॉप करेंगे अपन, रोक दो उसको, पहले बैक जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब कार्ट्रिज लगाएंगे, ये अपना इसका जो लॉक है ये अपन को पीछे करना है। ठीक, और ये कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज का ये ऊपर का कैप है, पहले इसको निकाल लेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है वो जाएगा नीचे साइड।
ऐसा, ये हो गया लॉक। इसको जो भी यूज़ करें यहाँ फ्लैट आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अपन को ये लॉक वापस निकालना है तो इसके पीछे करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये अभी अपन लॉक करा है, अब अपन प्रिंट करते हैं। अभी अपन ने पेपर ले आया है, अपन इस पर प्रिंट करते हैं, ठीक। पहले अपन एक बटन दबाएंगे और फिर स्लाइड करेंगे। ये पहले ये ट्रिगर है, इसको दबाना है फर्स्ट और फिर स्लाइड करना है। ये आ गई आपकी प्रिंटिंग। अभी जैसे ये पेपर है, इसमें पाउच में भी चला सकते हैं अपन। पाउच देखा, ये पाउच है, ट्रांसपेरेंट पाउच है, ये देखिए, ये आ गया अपना। और करो, ये ऐसा रगड़ने से नहीं मिटेगा ये, ठीक। नहीं तो चेंज करने के लिए अब फोन सिंगल लाइन। अब जैसे सिंगल लाइन आपको बनाना है, सबसे पहले अपन कार्ट्रिज निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही अपना काम ख़त्म होता है तुरंत कार्ट्रिज आप बाहर निकाल देंगे। तो कार्ट्रिज निकालिए, कार्ट्रिज निकाल के आप इसको कैप लगा के रख दीजिए। इसका जो मेंटेनेंस है वो यही है, कार्ट्रिज को संभाल के रखना। फिर इसके बाद अपन को अब जो भी डाटा है, जैसे सपोज़ आपको नया डालना है, अब ये अपन को प्रिंट नहीं करना, तो फिर अपन नया डाटा फिर बनाएंगे। तो इसके लिए इसको सबसे पहले बैक साइड जाके इस डाटा को डिलीट करेंगे। फाइल में गए, न्यू, ओके, न्यू फाइल बनाने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए। फाइल में जाना है, न्यू जाना है और स्टार्ट अपना न्यू फाइल हो गया। अब जो भी डाटा है अपन ने बनाया, सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि डाटा सेव कैसे करना है। सबसे पहले मान के चलिए कि अपन ने ये डाटा जो भी है अपन ने लिख लिया, ठीक। अब ये वाला मैसेज है, मैंने एक लाइन लिखी है, चार लाइन लिखी है, जो भी है, ठीक है। अब मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव अस में, फिर फाइल टू है। अब जैसे आपको जो भी डाटा लिखना है अपने नाम से, जो भी मैसेज सेव करना है, तो उस अपने नाम से सेव कर लीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। निकालना, अब जैसे मान के चलिए कि अब ये डाटा आपको लग रहा है कि मुझे वो जो मैंने सेव किया था वो अपन को निकालना है, तो फाइल में जाएंगे, लोड, जो अपन ने लोड किया था, अपन ने लोड क्या किया था, किस नंबर नाम से किया था, अपन ने 1 2 3 4 5 नाम दे दिया था, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद ओके कर लेंगे, तो ये अपना डाटा जा जाएगा। मतलब जब भी आपको मैसेज बना के सेव करना है तो ये फाइल में जाना है। और क्या बताने लायक, और इमेज का ऑप्शन है इसमें। इमेज का ऑप्शन कैसे, वो पेन ड्राइव लगा के यूसीबी, सपोज़ कोई आपको इमेज या आपका कोई लोगो प्रिंट करना है, तो ये दी जाती है इसमें पेन ड्राइव। इसमें पेन ड्राइव में लोड करके यहाँ पे अपन पेन ड्राइव सेट करेंगे और यहाँ से अपन इंटरनली जाके आप इमेज, ये आ रहा है इमेज का ऑप्शन, ये सिंबल यूएसबी, वापस करो, बैक करो, ये देखिए इमेज का ऑप्शन आया। इमेज का ऑप्शन में क्लिक करिए, पेन ड्राइव आप लगाएंगे तो यूएसबी पे जाना है। जब यूएसबी जाएंगे तो आपका जो भी डाटा आप सेव करेंगे यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। अपन को यदि इसमें सेटिंग में देखना है तो सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये अपन
सेटिंग गए। सेटिंग में अपना ये टाइमिंग है, कैलिब्रेट है। यदि आपको कभी स्क्रीन टच में दिक्कत आ रही है तो यहाँ से कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। यदि कोई डाटा अपन ने छेड़ दिया है, बहुत सारी सेटिंग छेड़ दी थी, रिस्टोर कर दी, तो वापस जैसा मशीन नया था वैसे ही हो जाएगा। ठीक। और प्रिंटिंग का ऑप्शन है, लैंग्वेज का ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना हो। हिंदी नहीं आता इसमें, चाइनीज़ ही आता है, चाइनीज़ और इंग्लिश, तो इंग्लिश में ही रखेंगे सब। ठीक है। प्रिंटिंग का ऑप्शन है, यहाँ प्रिंटर अपन प्रेस करते हैं। तो ये नोजल टाइप है, ये लेफ्ट है, राइट है। ठीक। वोल्टेज यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे 600 DPI पे चलेगा, DPI पे चलेगा। ठीक। बाकी कोई अपन को इसमें छिड़कानी नहीं करनी है, बस मशीन को आपको गिराना नहीं है, संभाल के चलाना है। ये मेटल बॉडी है, ये पूरी जो मेटल बॉडी है, यदि गिरे पड़ेगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है। और ये जो रोलर है, ये रबड़ है, ये क्या है, रोलर है, सिंक्रोनाइज रोलर। जब अपन उसमें चलाते हैं, यदि हैंडी से चलाते हैं तो इसका यूज़ होता है, तब जाके प्रिंट आता। यदि अपन इसको कन्वेयर में फिट कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन हटाना पड़ता है, क्योंकि इसके बदले फिर अपना सेंसर लग जाता है। सेंसर लग जाएगा तो फिर ये ऑप्शन काम का नहीं आता, तो ये इंटरनली अपन को चेंज करना पड़ता है। बाकी मशीन ये रही।